अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का होना बेहद ज़रूरी है। नींद का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो इससे सेहत के अलावा हमारे दिलो दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो तो जाते हैं पर बीच बीच में बार बार हमारी नींद टूटती रहती है। आपको बता दें कि ऐसा हमसे जुड़ी हुई कुछ आदतों और खान पान के तरीकों की वजह से होता है। नींद न आने या फिर नींद बीच बीच में टूट जाने की वजह रात को सोने से पहले हमारा खान पान भी हो सकता है, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करने की वजह बनता है। इसलिए आपका यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको सोने से पहले किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। कैफीन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमें जगाए रखते हैं। लोग अक्सर रात को सोने से पहले चाय या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, जिससे फिर घंटों तक नींद नहीं आती। इसलिए सोने से पहले हमें चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय को प्रभावित करती है, जिससे कि हमारी नींद खराब हो जाती है। इसलिए सोने से ठीक पहले कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जैसे चावल, पास्ता, चिप्स, केला, सेब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोटीन। प्रोटीन की अच्छी मात्रा वाले आहार जैसे कि मांस, दालें, मछली और अंडे वगैरह, अगर आप सोने से पहले इनका सेवन करते हैं तो इनसे आपके पाचन तंत्र पर काफ़ी दबाव पड़ता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए सोने से पहले इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चॉकलेट। ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद चॉकलेट का सेवन करना पसंद करते हैं। चॉकलेट आपके दिमाग को सक्रिय बनाए रखती है, जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है। इसलिए रात में सोने जाने से पहले कैफीन युक्त चॉकलेट का सेवन नहीं करना चाहिए।